पानसेमल आजीविका भवन में विकास समृद्ध महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी के पदाधिकारियों की प्रथम बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। पानसेमल ब्लॉक समन्वयक मगन सिंह राठौर ने जानकारी में बताया कि कंपनी के द्वारा महिला किसान के विकास हेतु निरंतर कार्य करेगी, जिसके अंतर्गत महिला किसानों के उत्पादन को मार्केट उपलब्ध कराना एवं किसानों को कम कीमत पर खाद बीज दवाई और उपकरण उपलब्ध कराने के संबंध में रूपरेखा तैयार कर कार्य किए जाएंगे। बैठक का संचालन मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के ब्लॉक समन्वयक द्वारा किया गया। इस प्रथम बैठक में खाता खुलवाने के संबंध में शेयर वितरण के संबंध में महिला किसानों को जोड़ने एवं उनके विकास संबंधी कार्यों कंपनी के चेयरपर्सन के चयन से संबंधी प्रमुख प्रस्ताव पारित किए गए। एफपीसी का गठन किया गया है पानसेमल विकास समृद्ध किसान प्रोड्यूसर कंपनी। इस कंपनी का ये फर्स्ट बीओडी का डायरेक्टरों का बैठक था। इस कंपनी में 10 लोग डायरेक्टर के पद पे अभी जुड़े हुए हैं। ये पूरी तरह से किसानों के विकास के लिए ये कंपनी काम करेगी और आज हमारा 10 लोगों का बीओडी का बैठक था, फर्स्ट बैठक था ये। इस बैठक में कुछ डिसीजन हमें लेने थे। एक तो हमारा खाता किस बैंक में खुलवाना है हमें, उस खाते का संचालन कौन करेगा, और ये जो बैठक में है और भी ऐसे 2-3 प्रस्ताव है हमारे, जिसमें कि शेयर कितने का हमें किस किसान को देना है, कितने किसान इस कंपनी में जोड़ने हैं, ये सारे प्रस्ताव इस फर्स्ट बैठक में हमने पास किए हैं। सर, मुख्य रूप से क्या क्या कार्य किया जाएगा? मुख्य रूप से ये एपीसी के माध्यम से किसानों का जो जितना भी उत्पादन हो रहा है पानसेमल ब्लॉक में, कोशिश हम करेंगे कि जितने भी हमारे जो मेंबर जुड़ रहे किसान, उनसे हम जितना भी उनका माल है वो हम खरीदेंगे यहाँ पे एपीसी के माध्यम से, और उन्हें इनपुट के लिए जो हमारा आगे का जो प्लान है, उनको जो दवाई है, खाद है, बीज है, ये हम उनको कम रेट में और अच्छी क्वालिटी का उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। पानसेमल से जयेश पटेल की रिपोर्ट।